हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीपीएससी इन ऑनलाइन क्लासेज। हाउ आर यू ऑल? आई होप दैट यू आर ऑल वेल। जैसा कि बच्चों आप लोग जानते हो, आपका सप्लीमेंट्री में चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट है इस समय, और जिसके वीडियोज आप तक पहुंचाए जा रहे हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो आज बात करते हैं बच्चों चैप्टर नंबर 4 द एनिमे की। आज लॉन्ग आंसर का आपको स्टडी कराएंगे। तो बच्चों एक चीज़, ये तो सिलेबस से रिलेटेड चीज़ें हैं जो कि बताया जा रहा है आपको। एक चीज़ का और ध्यान दें कि अपना कोर्स जो भी पीडीएफ या वीडियो आप तक पहुंचाई जा रही है, चाहे प्रोज का हो, पोएट्री या सप्लीमेंट्री या ग्रामर पार्ट का हो, उसको आप लोग विधिवत वीडियो को देखें, और जो भी पीडीएफ भेजी जा रही है आपका सिलेबस वाइज, उसको आप ऐप में चेक करें। क्योंकि जैसा भी टॉपिक कोई इंड होता है, उसको पीडीएफ को सीधा ऐप पर डायरेक्ट अपलोड कर दिया जाता है। तो इसलिए आप डायरेक्ट जो है ऐप पर जाएं, वहां से अपनी पीडीएफ को प्राप्त करें, और उसके बाद अपना जो आपका सिलेबस है पीडीएफ का, उसको ज़रूर अपनी फेयर कॉपी में नोट करें, ताकि कोर्स जो है आपका पीछे नहीं होना चाहिए। जैसा कि आप लोग को पता भी है कि आपका स्कूल 16 अगस्त से रीओपन हो रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी तैयारी को पुख्ता रखना है, और किसी भी प्रकार से कोर्स को पीछे नहीं रखना है। पहली बात तो यह रहा, तो आप अपने आप को मेंटली तैयार कर लें, सब चीज़ से तैयार कर लें, बैग जो भी आपके कॉपीज हैं सब कुछ रेडी कर लें, और इसके बाद आप 16 अगस्त से एक नई उत्साह के साथ विद्यालय में इंटर करें, और अपने पढ़ाई को यथार्थ साबित करते हुए आगे की ओर बढ़ते रहें। तो ये आपके शुभकामनाओं के लिए हमने कुछ बोला है। तो अब चलेंगे आज टॉपिक की बात करेंगे बच्चों, सप्लीमेंट्री का लेसन नंबर 4 द एनिमी। आज आपको इसका लॉन्ग आंसर बताया जाएगा। तो चलते हैं भाई शॉर्ट, आज लॉन्ग की बात ही है। तो थ्रो लाइट ऑन द कैरेक्टर ऑफ द जापानिश डॉक्टर नेम्ड डॉक्टर सड़ाओ हॉकी। डॉक्टर सड़ाओ हॉकी हु इज द प्रोटोगोनिस्ट ऑफ द स्टोरी द एनिमी। द एनिमी पर्ल एस बग। क्वेश्चन कह रहा है थ्रो लाइट ऑन द कैरेक्टर ऑफ द जापानिश डॉक्टर नेम्ड डॉक्टर सड़ाओ हॉकी हु इज द प्रोटोगोनिस्ट ऑफ द स्टोरी द एनिमी बाय पर्ल एस बक। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों, क्वेश्चन आपका कह रहा है कि जापानिश डॉक्टर डॉक्टर सड़ाओ के चरित्र पर प्रकाश डालें, जो इस कहानी के नायक हैं, जो कि पर्ल एस बक द्वारा लिखी गई है। तो आपका ये क्वेश्चन है बच्चों, तो इसी का आपको लॉन्ग आंसर कंप्लीट करना है। तो चलते हैं भाई आंसर की ओर। आंसर की बात करें बच्चों, सड़ाओ हॉकी वाज अ जापानिश डॉक्टर वह एक जापानी डॉक्टर और एक शल्य चिकित्सक थे।
he took his medical degree. He took his medical degree from America. उन्होंने अपनी मेडिकल की डिग्री अमेरिका से लिया था, यानी अमेरिका में ये कोर्स किया था डॉक्टरी का. इन चाइल्डहुड ही प्लेड बचपन में वह खेलते थे एट द कोस्टल एरिया ऑफ जापान जापान के खुली स्थानों में खेला करते थे. हिज फादर वाज स्टिच इन प्रोवाइडिंग एजुकेशन. हिज फादर वाज स्ट्रिक्ट इन प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू हिज ओनली सन. सडाओ वाज सिंसियर. एट हिज लर्निंग ऑफ सर्जरी एंड मेडिकल साइंस. ही वाज सो जीनियस. He became famous not only as a surgeon. तो इसका अर्थ आपको बता देते हैं, फिर आगे टॉपिक में प्रवेश करते हैं. सडाओ वहां की एक जापानी डॉक्टर और एक सर्जन भी थे, शल्य चिकित्सक भी थे. उन्होंने अपनी मेडिकल की डिग्री अमेरिका से लिया था. बचपन में वह जापान की खुली स्थानों में खेला करते थे. उनके पिता पढ़ाई में शिक्षा को दिलाने में उनके प्रति बहुत ही स्ट्रिक्ट सख्त थे. सडाओ अपनी सर्जरी और मेडिकल साइंस में बहुत रुचि रखते थे. ही वाज सो जीनियस, वह बहुत बुद्धिमान थे. दैट ही बिकेम फेमस नॉट ओनली एज सर्जन, वह केवल एक सर्जन के रूप में प्रसिद्ध ही नहीं हुए बल्कि वह साइंटिस्ट के रूप में यानी वैज्ञानिक के रूप में भी प्रसिद्ध हुए थे. तो बच्चों, ये टॉपिक आपका यहाँ पर एंड होता है. इसके अगला हेडिंग वो आपको हम बताने जा रहे हैं. तो चलते हैं अगली हेडिंग की ओर. अब अगली हेडिंग की बात करेंगे तो आपका हेडिंग नंबर है हिज एजुकेशन एज अ डॉक्टर. उनकी शिक्षा एक डॉक्टर के रूप में. तो चलते हैं
इसके बारे में आप लोग स्टडी करेंगे। छोड़ा हॉकी ट्रेटेड मैनी पेशेंट्स मैनी पेशेंट्स एज अ सक्सेसफुल डॉक्टर। Once Sadao and his wife Hannah saw a wounded person at the cost they brought him home gave medical treatment and cured him आपने देखा। उसके बाद हम बात करते हैं he was a sailor from an American warship of US Navy he was a prisoner of war Nevertheless, the doctor supplied food and water. He sent the sailor पहले इसका बता लीजिए। सडा हॉकी ने बहुत सारे मरीजों का सफलतापूर्वक एक डॉक्टर के रूप में उपचार किया था। एक बार सडाओ और उनकी पत्नी हैना ने एक घायल व्यक्ति को समुद्र के किनारे पर देखा। वे उन्हें अपने घर ले आए, उसके मेडिकल उपचार किया और उसकी देखभाल किया। ही वाज अ सेलर एन अमेरिकन वारशिप ऑफ यूएस नेवी। वह एक अमेरिकन ही वाज अ सेलर ऑफ एन अमेरिकन वारशिप। वह एक अमेरिकन वारशिप का यूएस नेवी का सेलर था, तैराक था। ही वाज प्रिजनर ऑफ वार। वह युद्ध का बंदी था, इसलिए द डॉक्टर सप्लाइड फूड एंड वाटर। इसलिए डॉक्टर ने उसे भोजन और खाने की आपूर्ति को किया, पूरा किया। तो ये बच्चों हुआ। एक और लाइन है, उसको भी यहाँ पे हम कंप्लीट करते हैं, वो आप लोग देखते रहे। अब इसके आगे की बात करें बच्चों, तो आपका है ही सेंट द सेलर safely in the boat
safely in the boat of to safe place. उन्होंने उस नाविक को सुरक्षित नाव पर एक सुरक्षित स्थान पर भेज दिया इतने ठीक होने के बाद. सो द डॉक्टर शडाओ एंड हिज वाइफ हैना. सो द डॉक्टर शडाओ एंड हिज वाइफ हैना हैना एक्सप्रेस्ड सोन अ ट्रू ह्यूमन बीइंग. इसलिए डॉक्टर और उनकी डॉक्टर शडाओ और उनके पत्नी हैना ने एक सच्ची मानव जाति को दर्शाया. तो ये यहाँ पर बच्चों आपका एंड होता है ये क्वेश्चन और ये पाठ भी डन होता है. इसका आपका पीडीएफ आप तक जल्द ही पहुँचा दिया जाएगा. फिर मिलते हैं एक नए वीडियोज में नए टॉपिक के साथ. तब तक के लिए सी यू लेटर.